हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्जाम के स्टूडेंट्स हो तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसका रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत लेट हो चुका है। आपको पता है दिसंबर में ही इसका एग्ज़ाम लिया गया था, 15 दिसंबर से इसका एग्ज़ाम चालू हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर फरवरी में जो है आपका देखने को मिला था आंसर की, लेकिन बहुत समय हो गया, अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला। स्टूडेंट्स लगातार संशय में बने हुए थे, तो सोचा गया इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाए। तो यदि नए हो यदि चैनल पे, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, उसके बाद आपसे जुड़ेंगे। फिर कोई वीडियो में अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप यह जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में, तो जाइए जो है RRB NTPC के प्ले लिस्ट में, या फिर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड के प्ले लिस्ट में, ठीक है। RRB NTPC के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी संबंधित। उन वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स के राय के आधार पर ही कट ऑफ बनाया है। मैंने पोलिंग कराया था तो उसके आधार पर कट ऑफ मैंने डिस्कस किया था कि कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर लेट क्यों हो रहा है इसके रिजल्ट में, रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, रेलवे को बस बहाना बनाना चाहिए। रेलवे कोरोना में भी चाहता तो अपने रिजल्ट को जारी कर सकता था, लेकिन उसने जारी नहीं किया, ठीक है। तो ये सरासर रेलवे की गलती है। रेलवे चाहता तो जारी कर देता, रेलवे अभी चाह ही नहीं रहा है तो क्या किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक न जारी होने का केवल और केवल एक ही कारण था, वह था रेलवे, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, वो कोरोना का बहाना केवल बनाने को मिल गया है, तो कोरोना का बहाना बना रहे सब। और दोस्तों, जहाँ तक ये बात है कि इसका रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, अब कब तक आएगा, तो दोस्तों आपको पता है कि RRB NTPC का जो है 7th फेज का एग्ज़ाम बचा हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है। तो उनका एग्ज़ाम जो है 23 जुलाई से लेना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप 23rd यहाँ पे जुलाई, 4th और 26 और 31, मतलब 3-4 दिनों में यहाँ पे RRB NTPC का एग्ज़ाम जो 7th फेज का स्टूडेंट्स बचे हुए हैं उनका होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आपका अगस्त में जहाँ तक संभावना बन रही है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, कि हो सकता है रिजल्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम सम्पन्न हो जाएगा। और इससे पहले NTPC के रिजल्ट से पहले ही आपको मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये संभावना जताई जा रही है, एक्सपेक्टेशन है एक कि हो सकता है जारी कर दिया जाए। ऑफिशियली तो कुछ डिक्लेयर नहीं किया जा चुका है अभी, ठीक है। तो ये अगस्त में हो सकता है कि जारी किया जाए, मतलब आपको कभी भी देखने को मिलेगा तो NTPC से पहले ही आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी जानकारी, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।